वालेकुम। लेक्चर नंबर 56 फोर्थ ईयर हम लोग सेकंड चैप्टर में जो क्लिनिकल साइकोलॉजी और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बिहेवियर थेरेपीज। और आज हमने जो थेरेपी स्टार्ट करनी है थेरेपी नंबर 7 है जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक। किरदारी तरीका इलाज में होता क्या है कि देगर और मूर्सी तरीकों की तरह क्या है ये भी अमिलाना मशरूति की टेक्निक में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अमिलाना मशरूति जो है इसमें क्या होता है रेनी इन्फोर्समेंट जो है या तकवीत जो है उसको सबसे बेसिक अहमियत या सबसे बेसिक उसको कहा जाएगा और उसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल उसी को होगी रेनी इन्फोर्समेंट को इस टेक्निक में। लिहाजा क्या होगा जो तकवीत है उसको मुनज़म करने में क्या होगा पेश करने के लिए फ़र्द के किरदार में तब्दीली लाई जा इसमें इसी टेक्निक में दर्ज है इस्तेमाल होने वाली कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे है किरदारी तश्कील का तरीका, रिस्पॉन्स शेपिंग टेक्निक इसको कहेंगे। इस टेक्निक को यूँ तो सबसे पहले क्या स्कीनर ने मुतारफ़ किया था लेकिन अगर 1964 की बात करें तो उसमें वोल्फ और रेसले और मेस जो था उन्होंने इसमें इसको मुनज़म किया था, इसको ऑर्गेनाइज़ करके इसको प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसका कहना था कि जब ये मरहलावार तकवीर से क्या होता है मतलब किरदार जो होता है ख़त्म करके उसकी जगह अपनी पसंद का किरदार सिखाया जाए तो उसको क्या कहेंगे रिस्पॉन्स शेपिंग कहा जाएगा। मतलब जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा उसको एक शेप या ऑर्गेनाइज वे में लेके आना तकवीत के जरिए। ये तकनीक जो क्या होती है ज़हनी मसाइल में मुतला जो बच्चे होते हैं उनके नाक़ सर्जर अमल को आहिस्ता आहिस्ता मगर मुनज़म तरीके से क्या होता है ख़त्म करके मतलब किरदार सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल क्या हो जाए छोटे काम खुद से करवाने के लिए ये तरीका इंतहाई मौजू होता है। बच्चे को टूथपेस्ट खोलना अगले मरहले में ब्रश पे लगाना और इस अमल को बार बार रिपीट करने से क्या होता है उसकी ये वाली आदत जो है वो पुख्ता हो जाएगी। उसके बाद अगर नंबर 2 पे देखेंगे तो वो है टोकन इकॉनमी इसको कहेंगे। ये है अलामती कैफियत, इसमें क्या है अमिलाना मशरूति के असूलों पर मबनी ही है ये तरीका भी मगर क्या है इसको इलाज के तौर पर 1965 में आलियान और आज़र जो थे उन लोगों ने इसको मुतारफ़ करवाया था। इस तरीके में क्या था मरीज़ को सबसे पहले बता दिया जाता है कि कौन सा अमल पसंदीदा है लेकिन ये अमल क्या होता है सही तौर पर अदा करेगा तो ही उसको इसके बदले टोकन दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है अगर वो अपनी ज़रूरियात और पसंद की अशिया ख़रीद सकता है उस टोकन के ज़रिए फ़र्ज जो होगा टोकन की कदरों की कीमत उसको बता दी जाएगी कि ये टोकन के बदले उसके कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हासिल कर सकता है। इस तरीक़ेकार में मरीज़ जो है वो क्या होता है अपनी किरदार में तब्दीली लाने के लिए क्या उसके लिए पहले से स्टेजेस बना दी जाती हैं एक ऑर्गेनाइज वे में जिससे क्या होता है फर्द अपनी बात की तरगीब उसको अमल करने की और किस तरह से उसने इसको करना है उसकी उसको तरगीब या उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन क्या होगा कि वो पसंदीदा किरदार जो भी उसका होगा उसको शौक लगन और दिलजमी से अदा करने लगेगा। टोकन दरअसल क्या होता है सानवी तकवीत होती है मतलब ज़हनी मरीज़ों के इलाज के दौरान होता क्या है कि बेहतर अंदाज से माशरत और सिखाने के लिए भी उनको टोकन इस्तेमाल किया जाता है। मसलन क्या होता है लड़ाई झगड़ा ना करने पर भी उनको 2 टोकन, नहाने पर 1 टोकन, अपना साफ कमरा साफ रखने पर 3 टोकन, इस तरह इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनकी स्टेजेस बना दी जाती हैं दर्जाबंदी कर दी जाती है जिससे क्या होता है वो जो भी किरदार को अच्छे से निभाएंगे तो उस पर उनको एक टोकन दिया जाएगा जिससे वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ हासिल कर सकेंगे। ठीक है, इस अमल को दायमी बनाना भी होता है जिसके लिए क्या है इस टेक्निक में चंद कबाहतें भी मौजूद हैं। ठीक है, फर्द हर काम के बदले क्या होता है टोकन की तवक्को करने लगता है मीन्स अगर वो छोटा सा काम भी करेगा तो उसको तवक्को होगी कि उसको इसके बदले टोकन दिया जाए। ज़हनी पसमानदा बच्चे जो होंगे इस बात पर ज़िद करने लगते हैं उन्हें पहले टोकन दें उसके बाद वो काम करेंगे। ठीक है, फ़र्द की कारकर्दगी जो भी होगी वो मतलूबा किरदार सीखने से आगे नहीं बढ़ती कि मतलब जितनी परफॉर्मेंस चाह रहे हैं सिर्फ उतनी ही होगी उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसका है वक्ती अलहदी मतलब टाइम आउट। फर्द की नापसंदीदा तर्ज अमल जो भी होगा उसको छुटकारा पाने या उसके किरदारी असलाह के लिए क्या होगा इससे पसंदीदा माहौल जो भी उसको माहौल या इन्वायरमेंट पसंद होगा वक्ती तौर पर उसको उससे अलग कर दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा टाइम आउट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जब क्या है टीवी देखते वक्त जो बच्चे हैं वो झगड़ा करते हैं या शोर करते हैं तो क्या होता है उसे कमरे से निकाल दिया जाता है बल्कि क्या अपनी पसंदीदा जगह से वक्ती तौर पर जब उसको अलहदा कर दिया जाता है तो फ़र्द को वो मजबूर करती है कि वो अपना पसंदीदा मुकाम हासिल करने के लिए क्या होता है अपने किरदार को बेहतर बनाए और अच्छे किरदार मुजाहरा कर रहे हैं अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ सके। ठीक है, अब इसका फोर्थ इसी का पॉइंट है बायोफीडबैक टेक्निक। इस टेक्निक में क्या है कि फर्द के सूदी के लिए इस्तेमाल की जाती है मिनटों से उसको रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसमें क्या होता है बरकी आलात की मदद से दिमाग की लहरों को कंट्रोल किया जाएगा और इन वही जो टूल्स यूज़ किए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग ही दिल की धड़कन तनाव टेम्परेचर और जिल की जो भी तब्दीली होगा उनका अमल वगैरह सारी चीज़ों को नोट किया जाएगा। इन आलात के इस्तेमाल से होता क्या है कि फ़र्द अपनी तश्वीश कंट्रोल करना सीख सकता है कि मतलब जो जब उसको एंजाइटी हो रही है तो उस चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाएगा इनके ज़रिए। बायोफीडबैक की टेक्निक जो होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह क्या है इसमें मुसलसल मश्क से फ़र्द क्या होता है मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल में अपना किरदार जो है उसको कंट्रोल करना सीख लेता है कि मतलब उसने अपने किरदार को कहाँ कंट्रोल करना है और किस जगह पर उसने जो है इसको इस्तेमाल करना है। इसमें क्या है दिमागी जिस्मानी वर्जिश योगा के तरीके और हसासियत की तरबियत भी इसी तरीके में शामिल है। ठीक है, इनकी मदद से क्या होता है फ़र्द में कुव्वत बर्दाश्त जो होती है वो बढ़ जाती है जिससे क्या होता है वो खुद पे कंट्रोल करना
सीख लेते हैं। दिमाग को परेशान किन हालात से पाक किया जा सकता है, इसी के ज़रिए, ठीक है। तनाव और तशवीश की हालत भी सुधारी जा सकती है इसी टेक्निक के ज़रिए। फ़र्द अपनी मर्ज़ी से क्या होता है, अपनी जिस्मानी अज़लाती और जज़्बाती तब्दीलियों का एहसास कम करता है या उसको ख़त्म कर सकता है। इसकी खामी सिर्फ ये है कि इस तरीके में क्या है, वक्त और सरमाए का खर्च जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग इसको यहीं तक करेंगे, ठीक है। इसके चारों जो पॉइंट्स हैं ये ही उसकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। इन चारों के ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का, और इसको आप लोगों ने ऐसे एज इट इज़ याद करना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देना है कि ये क्या है। उसके बाद आपने बताना है कि इस पर किसने काम किया था सबसे पहले, और इसको कब प्रॉपर वे में यूज़ करना शुरू किया गया था। और लास्ट पर आपने इसको क्रिटिसिज्म के तौर पर बता देना कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो हैं ठीक नहीं थी, या जो और साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इस पर जो है क्रिटिसिज्म किया था या तनकीद की थी, ठीक है। इसके बारे में अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।